आरआर टेल्स पर आइए सुनते हैं एक अनोखी रामकथा। एक बार एक राजा ने गांव में रामकथा करवाई और कहा कि सभी ब्राह्मणों को रामकथा के लिए आमंत्रित किया जाए। राजा ने सबको रामकथा पढ़ने के लिए यथास्थान बैठा दिया। एक ब्राह्मण अंगूठा छाप था, उसको पढ़ना लिखना कुछ आता नहीं था, तो वो ब्राह्मण सबसे पीछे जाकर बैठ गया और सोचा कि जब पास वाला पन्ना पलटेगा तब मैं भी पलट दूंगा। काफी देर देखा कि पास बैठा व्यक्ति पन्ना ही नहीं पलट रहा है। उतने में राजा श्रद्धा पूर्वक सबको नमन करते चक्कर लगाते लगाते उस सज्जन के समीप आने लगे तो उसने एक ही रट लगा दी। अब राजा पूछेगा तो क्या कहूंगा। यह सुनकर पास में बैठा व्यक्ति भी रट लगाने लग गया कि तेरी गति सो मेरी गति, तेरी गति सो मेरी गति। उन दोनों की बात सुनकर तीसरा व्यक्ति भी बोल पड़ा, ये पोल कब तक चलेगी। फिर चौथा भी बोल पड़ा, जब तक चलता है चलने दो। वे चारों अपना सिर नीचे किए इस तरह की रट लगाए बैठे रहे कि रब राजा पूछेगा तो क्या कहूँगा, तेरी गति सो मेरी गति, ये पोल कब तक चलेगी, जब तक चलता है चलने दो। जब राजा ने उन चारों के स्वर सुने तो राजा ने पूछा कि ये सब क्या गा रहे हैं, ऐसे प्रसंग तो रामायण में हमने पहले कभी नहीं सुने। इतने में एक महात्मा उठे और बोले, महाराज ये सब रामायण का ही प्रसंग बता रहे हैं। पहला व्यक्ति ये बड़ा विद्वान है, ये जो कह रहा है यह बात सुमंत ने अयोध्या कांड में कही। जब वो सीता जी को वन में छोड़कर घर लौटते हैं तब ये बात सुमंत कहता है कि अब राजा पूछेंगे तो क्या कहूँगा। फिर राजा ने पूछा कि यह दूसरा क्या कहता है कि तेरी गति सो मेरी गति, इस बात का क्या मतलब है। महात्मा बोले, महाराज ये तो पहले वाले से भी ज़्यादा विद्वान है। किष्किंधा कांड में जब हनुमान जी राम लक्ष्मण जी को अपने दोनों कंधों पर बैठाकर सुग्रीव के पास ले गए तब ये बात राम जी ने कही थी कि सुग्रीव तेरी गति सो मेरी गति, तेरी पत्नी को बाली ने रख लिया और मेरी पत्नी का रावण ने हरण कर लिया। राजा ने आदर से फिर पूछा कि महात्मा जी यह तीसरा बोल रहा है कि ये पोल कब तक चलेगी, ये बात कभी किसी संत ने नहीं कही और न ही मैंने कभी रामायण में सुनी है। महात्मा जी बोले, महाराज ये तो और भी बड़ा ज्ञानी है, लंका कांड में अंगद जी ने रावण की भरी सभा में अपना पैर जमाया तब ये प्रसंग मेघनाथ ने अपने पिता रावण से किया था कि पिताश्री ये पोल कब तक चलेगी, पहले एक वानर आया और हमारी लंका जलाकर चला गया और अब ये कहता है कि मेरे पैर को कोई यहाँ से हटाकर दिखा दे तो भगवान श्री राम बिना युद्ध किए वापिस लौट जाएंगे। फिर राजा बोले कि ये चौथा बोल रहा है वो क्या है। महात्मा जी बोले, महाराज ये इतना बड़ा विद्वान है कि कोई इनकी बराबरी कर ही नहीं सकता, ये मंदोदरी की बात कर रहे हैं। मंदोदरी ने कई बार रावण से कहा कि स्वामी आप जिद छोड़ दीजिए, सीता जी को आदर सहित श्री राम जी को सौंप दीजिए, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। तब ये बात रावण ने मंदोदरी से कही थी कि जब तक चलता है चलने दे, मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू हैं, अगर मैं राम के हाथों मारा गया तो मेरी मुक्ति हो जाएगी, इस अधम शरीर से भजन वजन तो कुछ होता नहीं और मैं युद्ध जीत गया तो त्रिलोकी में भी मेरी जय जयकार हो जाएगी। राजा इन सब बातों से चकित रह गए, बोले कि आज हमें ऐसा अद्भुत प्रसंग सुनने को मिला है कि आज तक पहले हमने कभी सुना ही नहीं। राजा इतने प्रसन्न हुए कि उस महात्मा से बोले कि आप कहें वो दान देने को मैं राजी हूँ। उस महात्मा ने उन अनपढ़ अंगूठा छाप ब्राह्मण को अनेकों दान दक्षिणा दिलवा दी। इन सब बातों का एक ही सार है कि कोई अज्ञानी कोई नास्तिक कोई कैसा भी क्यों न हो, वेद रामायण भागवत जैसे महान ग्रंथों को श्रद्धापूर्वक छूने मात्र से ही सब संकटों से मुक्त हो जाता है। तो श्रोताओं कैसी थी आज की यह कहानी हमें ज़रूर बताएं। इस वीडियो को अपने परिवार के साथ मित्रों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें।
धन्यवाद।